हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रीना और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा डाइट प्लान। और इस डाइट प्लान को कस्टमाइज़ करने से पहले मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, तभी मैं आज ये वाला डाइट प्लान जो है आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। यानी कि प्रॉपर एक डाइटिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही मैं ये डाइट प्लान आपके साथ में शेयर करूँगी, बिकॉज़ कि मेरी जो एज है ये 30 है और मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे थे, जो कमेंट्स आ रहे थे, वो आ रहे थे जिनकी एज 35 है या 35 प्लस है या 40 है या 40 प्लस है। तो मैं कोई भी डाइट प्लान ऐसा आपको सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ जिसको मैंने पर्सनली खुद भी फॉलो नहीं किया हो। और जो डाइट प्लान मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी ना, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूँगी कि एक्चुअली में मुझे डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो मेक श्योर मेरा जो वीडियो है आप ये शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें और इसमें कोई भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। और दूसरा ये कि जितने भी स्टेप मैं आपको बता रही हूँ सारे आपको फॉलो करने हैं। और कोई भी डाइट प्लान अगर आप देखते हैं यूट्यूब पे या किसी भी यूट्यूबर ने डाला है, चाहे वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मेक श्योर कि आप कोई भी डाइट प्लान फॉलो करें तो पहले उससे कमेंट करके ज़रूर पूछ लें कि आपको उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं। और अपनी एज और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसे भी डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है आपको बोन्स में जॉइंट पेन रहता हो सकता है आपको नी में पेन रहता हो और उन्होंने उसमें लेमन का जो डिटॉक्स वाटर है वो बताया हुआ है, तो वो अगर आप लेते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दे रही हूँ, अगर आप वो ड्रिंक लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो बोन्स में जो ग्रीस होता है ना वो उसको ख़त्म कर देगा। आपकी बोन्स में और ज़्यादा पेन होगा, जॉइंट्स पेन ज़्यादा होगा आपको, आपकी नी में ज़्यादा पेन होगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो ऐसे कभी भी ना करें कि आप कोई भी डाइट प्लान किसी भी यूट्यूबर का उठा के सीधे सीधे फॉलो कर लें। हमेशा आप उनसे पहले ये कंसल्ट करें कि आपकी जो एज है वो बता दें, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है पहले आप वो बता दें, तभी जाके उस डाइट प्लान को फॉलो करें। बिकॉज जो मैं डाइट प्लान्स अपने चैनल के ऊपर डालती हूँ जो मैं फॉलो कर रही हूँ, तो मेरी जो एज है वो 30 है। अगर आपकी एज 40 है या 40 प्लस है तो ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मुझे सूट कर रही हैं वो आपको भी करें, ठीक है। तो मेक श्योर कभी भी आपको कोई डाइट प्लान फॉलो करना है तो उसके लिए आप पहले ही ज़रूर कमेंट करके पूछ लें कि आपको ये फॉलो करना चाहिए या नहीं। देन नेक्स्ट ये है कि जब मैंने अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट किया तो ये जो डाइट प्लान मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ये वो सारे लोग फॉलो कर सकते हैं जिनकी एज 35 से अबव है या 40 प्लस है या 44 या 45 तक भी है, तो आप इसे बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको दूंगी 7 मील्स के ऑप्शन, और जो जो मैं ऑप्शन दे रही हूँ ये सारे हेल्दी हैं, होममेड फूड ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दे दूँ जो आपको बाहर से पिक करना हो एंड देन तब आप उसे इनटेक करें। और इसके अलावा अगर आपको जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, आपकी नी में प्रॉब्लम है, तो लेमन वाला कोई भी डिटॉक्स वाटर, चाहे मैं अपने वीडियो में बता रही हूँ, चाहे मैं इसी डाइट प्लान में इंक्लूड करूँ, आप उसमें से लेमन को अवॉइड कर दीजिएगा। बाकी जो भी ड्रिंक मैं आपको बताऊँगी वो आपको एज इट इज़ आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लिया हो, और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले जो ये डाइट प्लान है इसको आप जितना जल्दी, यानी कि जितना जल्दी आप अर्ली मॉर्निंग उठ पाएँ उतना अच्छा है। मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ 5:30 से। अगर आप 5 o'clock पे उठ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, इससे ज़्यादा लेट आप ना करें, क्योंकि अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जितने आप अपने लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, आप अपने घर के लिए भी टाइम निकाल पाएंगे, और आपका काम जो होता है ना, मॉर्निंग का जो रूटीन होता है, आप उससे जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। सो, अगर आप वर्किंग हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आपको प्रॉपर अपने लिए मॉर्निंग का स्पेशली जो टाइम होता है वो निकालना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको टाइम मिल जाएगा। तो 5:30 जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ 5:30 से, आप चाहें तो 5 o'clock भी उठ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो आप जैसे ही सुबह 5:30 उठते हैं, 5:30 उठते ही सबसे पहले आपको लेना है एक ग्लास वार्म वाटर। वार्म वाटर बेसिकली वर्क करता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, आपकी बॉडी को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हमें ऐसे लगता है ना, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, नहीं हो सकता कुछ, बॉडी बहुत धीरे धीरे काम करती है, एकदम से फास्ट जो होता है ना बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो बढ़ता है हमारा, वो वार्म वाटर के साथ में होता है।
और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, चाहे आपकी कोई भी एज है आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब भी आप इस वार्म वाटर को लें आप बैठ कर पिएं, खड़े होके बिल्कुल भी नहीं लेना है। सिर्फ गुनगुना सा पानी लेना है, तेज गर्म पानी नहीं लेना है, और गुनगुने पानी को आपको सिप करके पीना है। तो एक गिलास आप इसे ले लें। उसको लेने के बाद आपको करना है 30 मिनट से 40 मिनट के बीच में आपको वॉक करनी है, मिनिमम 30 मिनट और 40 मिनट तो एटलीस्ट आपको करना ही करना है। मतलब है ही है कि 40 मिनट्स आप इसे करें, अगर आप इसे 40 मिनट्स नहीं कर सकते तो आप 30 मिनट्स करें। जिन लोगों के पास बाहर जाने का ऑप्शन नहीं है, या आप पार्क नहीं जा सकते हो, या आप वॉक करने बाहर नहीं जा सकते हो, तो अपने घर के आसपास का जो एरिया होता है बस आप उसी में वॉक करें। तो चाहे आप घर के अंदर वॉक करें, चाहे आप घर के बाहर वॉक करें, आप छत पर वॉक करें, देखिए टाइम आपको निकालना है, मैनेज सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन दे सकती हूँ, 30 मिनट्स जब आप वॉक कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी थोड़ा सा ना प्रिपेयर हो गई है सारे काम के लिए, घर के सारे कामों के लिए भी, और थोड़ा सा आपको लगेगा कि आपकी बॉडी एक्टिव भी हो गई है, जो लेजीनेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो जैसे ही आप 30 मिनट्स की वॉक करते हैं ना, आपका मेटाबॉलिज्म जो है ये बढ़ेगा, हाई होगा, और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे ईजीली। देन अगर 5:30 बजे आप उठे हो, मैं 5:30 बजे के टाइम को पकड़ के चल रही हूँ, देन सेकेंड जो आपके पास में ड्रिंक का ऑप्शन है, वेट लॉस ड्रिंक, वो है जीरे वाली वेट लॉस ड्रिंक, जिसका वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली एक जीरे की चाय है जिसमें थोड़ा सा जिंजर का जूस होता है, थोड़ा सा हनी होता है, थोड़ा सा लेमन का जूस होता है। तो अगर आपको नी का प्रॉब्लम है, जॉइंट प्रॉब्लम है, तो आप इसमें से लेमन को अवॉइड कर दीजिएगा। ये आपका पहला मील यानी कि एक ड्रिंक है, मॉर्निंग की एक एनर्जी बूस्टर ड्रिंक है जो आपके वेट लॉस को फास्ट करेगी, और ये 100% वर्क करती है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसको लेना ही लेना है, ठीक है। अगर आपको अदरक से एलर्जी है, अदरक के जूस से एलर्जी है, गर्मी का टाइम है, नहीं आपको लगता है कि आपको सूट नहीं करेगा, तो आप इसे अवॉइड कर दीजिएगा। लेमन को अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको नी में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप लेमन को अवॉइड कर दीजिएगा, लेकिन जीरे के पानी को हनी के साथ में ज़रूर लें, ठीक है। तो ये आपका पहला मील हो गया। देन इसके बाद 2 घंटे के बाद, यानी अगर मैं बोलूँ 6:30 पे आपने 5:30 पे वार्म वाटर लिया था, 6:30 पे आपने ये जीरे वाला वेट लॉस ड्रिंक लिया है, तो 8:30 यानी 8 पकड़ के चलते हैं हम, 8:00 से लेके 8:30 के बीच में आपका प्री ब्रेकफास्ट का जो मील है वो हो जाना चाहिए। तो प्री ब्रेकफास्ट मील में आपके पास जो एक ऑप्शन मैं देने वाली हूँ वो है सोक्ड आलमंड, यानी कि 7 से 8 बादाम की गिरी, जिसको आपको रात को आपने भिगो के रखा हो उसको आपको छील लेना है, और एक ग्लास दूध के साथ में, वार्म मिल्क के साथ में उसको लेना है। अगर आपको लगता है कि आप 7 से 8 बादाम एक साथ में नहीं ले सकते हो, तो आप इसे 2 बार में डिवाइड कर दीजिए, एक बार मॉर्निंग में लीजिए और एक बार इवनिंग में लीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऑलमंड्स के अंदर होता है ओमेगा फैटी एसिड 3, जो कि आपके वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होता है, आपके वेट लॉस को फास्ट करता है, और अगर आपकी एज जो है 35 या 32 क्रॉस हो चुकी है, तो बादाम जो है रेगुलर बेसिस पे लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपके दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। तो होता नहीं है कई बार हम चीज़ें भूलना शुरू कर देते हैं, तो एक एज होती है उसके बाद ये सारी प्रॉब्लम शुरू हो ही जाती है, तो आपको ये चीज़ करनी ही करनी है। तो 7 से 8 बादाम की गिरी लीजिए, उसको भिगो दीजिए, सुबह मॉर्निंग में 7:30 या 8:30 का जो भी टाइम आपको मतलब आपके मॉर्निंग रूटीन के साथ में फिक्स हो रहा है, लाइक 8 और 8:30 के बीच में फिक्स कर लीजिए कि आपको इसे ले ही लेना है। तो जब आप ये ले लें, उसके बाद आपका जो भी घर का रूटीन है आप उसे करिए। उसके बाद आप 10:00 के अराउंड में अपना ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि 8:30 तक मैं पकड़ के चल रही हूँ कि आपने दूध और आलमंड्स ले लिए हैं, तो 9:30 और 10 यानी 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद जब आप लेंगे अपना ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में मैं आपको देने वाली हूँ 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है एक छोटे से बाउल, यानी इतना जो बाउल होता है उसमें आप पोहा बना के खा सकते हैं। पोहा बनाने के लिए आप ऑलिव ऑयल का यूज़ कीजिए या आप देसी घी का, यानी कि 1 टेबल स्पून ही ऑलिव ऑयल, 1 टेबल भी नहीं बल्कि उससे भी कम कर लीजिए आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल तो बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, क्योंकि अगर आप देसी घी लेते हैं तो वो तो एकदम पता ही नहीं चलता है कहाँ गया।
तो आप थोड़ा सा यानी हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल लीजिए उसमें मस्टर्ड सीड्स को डाल के। और मैंने पोहे की रेसिपी ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। मैंने उसमें बिना ऑयल के बनाया था पोहा, लेकिन आपकी जो एज है इसमें आपको घी की रिक्वायरमेंट, ऑलिव ऑयल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को, बोन्स को ग्रीस चाहिए होता है जो बेसिकली इन चीज़ों से ही मिलेगा, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून देसी घी और 1/2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, जो भी आपके पास ऑप्शन हो आप वो ले सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है तो मस्टर्ड ऑयल जो होता है यानी सरसों का तेल, आप उसमें भी बना सकते हैं, तो आप उसको भी ले सकते हैं 1/2 टेबल स्पून अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर इतना सा आपको पोहा बनाना है तो उसके लिए 1/2 टेबल स्पून ऑयल बहुत है। आप वो बना लीजिए, आप उसके अंदर पीनट्स डाल सकते हैं, लाइक 4 से 5 गिरी, अगर आप एक बॉयल ले रहे हैं तो 4 से 5 यू नो गिरी ले सकते हैं पीनट की, आप वो भी डाल सकते हैं उसमें। ऑनियन और सब्जी, खूब सारी सब्जी डाल के बनाइए उसे, बहुत टेस्टी लगता है। पहला ऑप्शन तो पोहे का हो गया। दूसरा ऑप्शन है इडली, यानी कि आप 2 इडली ले सकते हैं चटनी के साथ में, ग्रीन कोरिएंडर की चटनी ले लीजिए या आप नारियल की चटनी ले लीजिए, आप उसके साथ में ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपके पास में चीला, आप 1 से 2 पतले ज़्यादा बड़े या बहुत मोटे मोटे चीले आपको नहीं बनाने हैं, वेजिटेबल्स के साथ में 2 चीले बना लीजिए नॉनस्टिक के पैन पे, बिल्कुल लेस ऑयल में आपको बनाना है, आप वो ले सकते हैं। इसके साथ में आप 1 बाउल कर्ड का ले सकते हैं। देन इसके अलावा 4th ऑप्शन मैं आपको देने वाली हूँ इसमें मॉर्निंग में, ओट्स का। ओट्स चाहे तो आप सॉल्ट वाले बनाकर ले लीजिए, चाहे आप मिल्क के साथ में ले लीजिए, जो भी आपको ऑप्शन अच्छा लगता हो आप वो ले सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको ब्रेकफास्ट में मिल चुके हैं। पहला ऑप्शन पोहे का है, दूसरा ऑप्शन इडली का है, तीसरा ऑप्शन आपके पास बेसन के चीले का है, चौथा ऑप्शन जो है आपके पास ओट्स का है। तो जो भी टाइप आपको सही लगे लेना, क्वांटिटी उसी हिसाब से है। अगर 2 इडली बोलिए तो जो एक नॉर्मल साइज़ की जो इडली होती है आपको इतनी, वही 2 इडली लेनी है, उसके साथ में आप नारियल की या कोरिएंडर की जो भी चटनी आपको अच्छी लगे, या सीज़न के हिसाब से आप मिंट की जो चटनी बनती है आप वो बनाकर खाना चाहते हैं तो आप वो खा सकते हैं, बिकॉज उसमें ऑयल तो होता ही नहीं है, तो आप आराम से ले सकते हैं। तो ये आपका ब्रेकफास्ट का रूटीन हो गया, जो कि मैं लेके चल रही हूँ 9:30 से 10 के बीच में आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। देन उसके बाद 11 o'clock के अराउंड में आपको लेना है 1 कप ग्रीन टी। लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपके बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं या जितना भी आपने इनटेक किया होता है, कैलरीज को बर्न करने के लिए हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो आप 1 कप ग्रीन टी के साथ में 2 बिस्किट ले सकते हैं, कोई भी बिस्किट शुगर फ्री वाले। आप अगर शुगर लेते हैं तो मैं आपको बोलूँगी, अगर आप दूध में भी शुगर लेना पसंद करते हैं तो आप शुगर फ्री लें, क्योंकि शुगर आपको लेना नहीं चाहिए, बिकॉज़ अगर आपकी एज जो है 35 क्रॉस कर रही है, पहली बार शुगर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। शुगर से आपको एजिंग का प्रॉब्लम होता है, शुगर आपकी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करती है ग्लूकोज के रूप में, जिससे आपको एनर्जी मिलती है और आपको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है, आप काम कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वो फैट में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है। तो शुगर ना ले तो उतना ही अच्छा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, आपको शुगर होने की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप शुगर फ्री को यूज़ कर सकते हैं शुगर की जगह पर, तो चाहे आप मिल्क भी लेते हैं तो आप मिल्क में भी शुगर फ्री का यूज़ करें। और अगर आप ब्रेकफास्ट में मीठे वाले ओट्स बना रहे हैं तो उसमें भी आप शुगर फ्री ही डालें, यानी 3 से 4 गोलियां, या अगर ड्रॉप वाला यूज़ करते हैं तो 4 से 5 ड्रॉप शुगर फ्री की ले लें, दैट्स इनफ फॉर 1 बाउल। 1 बाउल के लिए इतना इनफ है, इससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद जब आप 11 o'clock के अराउंड में ग्रीन टी लेते हैं, उसके साथ में 2 बिस्किट ले सकते हैं शुगर फ्री वाले, कोई भी ले लीजिए, ओट्स वाले बिस्किट या मैकविटीज़ के शुगर फ्री जो बिस्किट्स आते हैं आप वो ले सकते हैं। तो ये लेना ही लेना है आपको, ग्रीन टी एक बार दिन में लेना ही लेना है 11 o'clock के बाद में। 1 o'clock मैं लेके चल रही हूँ कि आपको जो है अपना लंच जो है उसको करना है, तो पहले हम करेंगे प्री लंच। लंच से पहले जो एक लंच होता है हम पहले वो करेंगे 1 o'clock पे। 1 o'clock पे जब आप ये प्री लंच का जो ऑप्शन है उसमें मैं आपको बोलूँगी, आप खूब सारा सैलड खा सकते हो, आप खा सकते हो खरबूजा आता है ना, खरबूजा, आप खरबूजा खा लीजिए। आप तरबूज ज़्यादा मत खाइए, थोड़ा सा लेके खाइए, खरबूजा थोड़ा सा ज़्यादा खा सकते हो, बिकॉज तरबूज में जो होता है शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है तो आपको उसे अवॉइड करना है, लेकिन आप तरबूज खा सकते हो बिकॉज वो ज़्यादा मीठे नहीं होते, ठीक ठीक से ही होते हैं, तो आप वो ले सकते हो 1 प्लेट। इसके अलावा आप गाजर और आप इसके अलावा खीरे का, ककड़ी का एक सैलड बनाइए 1 प्लेट,
उस पर काला नमक डालिए, थोड़ा सा चाट मसाला डालिए उस पर, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यू नो उसे टेस्टी सा बना के खा लीजिए। जब आप ये एक प्लेट यानी पूरा भर के अगर आप खा लेंगे खाना खाने से पहले, तो आपको थोड़ा सा भूख जो है वो कम लगेगी। और इसके अंदर होता है बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट, तो एक तो वाटर की वजह से जो डिहाइड्रेशन होता है ना बॉडी के अंदर वो नहीं होगा। तो जब आप ये सैलड ले लें, उसके बाद आपको करना है लंच। लंच में आपके पास ऑप्शन मैं दे रही हूँ, आप या तो खा सकते हैं अगेन दो चपाती, यानी जो पतली वाली चपाती होती है वो आप गेहूं के आटे की जगह पे आप यूज़ कीजिए, मिस्सी रोटी का जो आटा होता है, चार या पांच अनाज मिला के उसको बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा होता है, थोड़ा सा चने का आटा होता है, थोड़ा सा मक्के का आटा होता है, बाजरे का आटा होता है, तो ऐसे वो चार या पाँच अनाज मिला के एक आटा प्रिपेयर किया जाता है। आप किसी भी यू नो स्टोर पर जाएंगे जहाँ से आपको मिलता होगा आटा, या किसी चक्की वाली के पास जाएंगे तो आपको वहाँ पर वो आराम से मिल जाएगा। मिस्सी रोटी का जो आटा होता है आपको वो यूज़ करना है। आपको दो चपाती उसकी बनानी है, आप उसके साथ में कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं, वन टेबल देसी घी के साथ में, यानी वेजिटेबल जब भी आप प्रिपेयर करें आप उसमें एक चम्मच देसी घी डाल सकते हैं। पूरे दिन में हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो दो से ढाई टेबल स्पून की देसी घी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप उसे बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं लंच में वेजिटेबल्स की, तो आप ले सकते हैं टोफू। टोफू में एक्चुअल में बहुत सारा प्रोटीन होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है और आपके वेट लॉस को बहुत जल्दी यू नो फास्ट करता है। टोफू के अलावा आप ले सकते हैं पनीर, यानी कि अगर मैं बोलूँ एक बाउल आपको वेजिटेबल लेनी है तो चार से पाँच पीस टोफू के, या चार से पाँच पीस आप ले सकते हैं पनीर के एक बाउल के अंदर। बाकी आप जैसे नॉर्मली सब्जी बनाते हो टेस्टी बनाने के लिए, प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से बना सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स जितनी भी हैं लाइक बीन्स हैं, बीन्स के अंदर भी बहुत अच्छा यू नो प्रोटीन होता है, तो वो अच्छा होता है हमारे लिए। तो आप खाली सिर्फ बीन्स की सब्जी बना सकते हैं, उसको अदरक लहसुन के साथ में छोंक के, सिंपल ड्राई वेजिटेबल जो होती है आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा एक बाउल कर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हैं, और कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हैं लंच में। अगर आप दाल ले रहे हैं तो आप उसके साथ में कर्ड को अवॉइड कीजिएगा, बिकॉज दाल के अंदर ना बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है जो यू नो आपको इनफ होता है प्रॉपर एक मील के लिए अगर आप दाल ले रहे हैं तो। और दाल में भी आपको या तो मूंग की दाल खानी है, हरे वाली मूंग की दाल, या जो पिंक वाली यानी जो पतली दालें होती है ना वो आपको लेनी है, और वो भी सिर्फ एक छोटा सा बाउल। तो मेरे हिसाब से अगर आप सब्जी लेते हैं तो दैट्स क्वाइट इनफ, क्योंकि जो दाल होती है इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है, और अभी जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन इतने ज़्यादा हाई प्रोटीन की नहीं है, क्योंकि दाल के अंदर बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होता है और कैलरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं एक बाउल के अंदर। तो मेरे हिसाब से अगर आप वेजिटेबल लेते हैं तो आप वो ऑप्शन में रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप दाल भी ले सकते हैं। लंच में आपके पास ऑप्शन हो गया है एक बाउल दाल का, एक बाउल कर्ड का ऑप्शन है, अगर आप सब्जी ले रहे हैं तो उसके साथ में एक बाउल कर्ड ले सकते हैं, या आप कर्ड का रायता होता है ना मिक्स वेज का रायता जो बनाते हैं हम, उसमें खीरा प्याज टमाटर डाल के बनाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये आपका लंच का ऑप्शन है जिसे आपको फिनिश कर लेना है दो से ढाई बजे के बीच में। 1 o'clock पे प्री मील है जिसमें आपको एक बड़ा वाला प्लेट जो है आप सैलेड का ले सकते हो, या एक नॉर्मल प्लेट आप ले सकते हो तरबूज का, खरबूजे का आप ये ले सकते हो। और जब आप अपना लंच कर लो यानी दो से ढाई के बीच में जब आपका लंच हो जाए, देन 4 o'clock के अराउंड में आपको लेनी है अगेन ग्रीन टी। अगर आपको लगता है कि आपको नॉर्मल चाय की आदत है, आपको ग्रीन टी की आदत नहीं है, तो अगर आप ग्रीन टी लेते हो ना नॉर्मल चाय से, पहली बात तो बहुत ज़्यादा बेटर होती है, ग्रीन टी एक ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी जो एज है उस हिसाब से अगर आप ग्रीन टी पे स्विच करते हो नॉर्मल टी से तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें दिन में एक बार नॉर्मल टी लेनी ही लेनी है, तो आप वो नॉर्मल टी विद शुगर फ्री आप ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसमें इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा यू नो काली मिर्च डाल दीजिए, तो वो भी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है, बूस्ट करती है। ऐसे नहीं कि सिर्फ ग्रीन टी ही करती है, आप इस तरीके से अगर अपनी चाय को बनाते हैं तो वो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से चाय को पी रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें शुगर को अवॉइड करना है, शुगर फ्री को ऐड करना है, और इसके अलावा इलायची और काली मिर्च थोड़े से लॉन्ग डाल दीजिए, तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को और ज़्यादा फास्ट करेगी और वेट लॉस को यू नो बूस्टअप करेगी, आपको बूस्टअप करेगी ताकि आपका वेट लॉस जो है ये जल्दी जल्दी हो पाए। 4 बजे जब आप ये ले लें,
चाहे आप इसके साथ में दो बिस्किट और ऐड कर सकते हैं। देन आपका लास्ट जो है वो प्री मील जो बचा है हमारे पास वो है डिनर का ऑप्शन। डिनर के ऑप्शन में 6:30 के आसपास में आपको अगेन सैलड आप ले सकते हो, आप थोड़ा सा स्प्राउट यानी कि एक बाउल स्प्राउट आप ले सकते हो और यू नो उसका एक सैलड टाइप से भी बना के खा सकते हो, या आप उसका एक चाट बना के भी खा सकते हो प्याज टमाटर डाल के स्प्राउट्स जैसे हम खाते हैं, बट उसमें आप ऑयल ना यूज़ करें, बिना ऑयल का ही आपको उसे बना के खाना है। आप उसको स्टीम कर लीजिए, थोड़ा सा स्टीम करके आप उसको बना के खा सकते हैं। तो आप ये ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा प्री डिनर का एक ऑप्शन। इसके अलावा आप सैलड तो ले ही सकते हैं, आप कोई भी फ्रूट आपकी चॉइस का आप ले सकते हैं। मुझे तो खरबूजा ही बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इसके अंदर वाटर कंटेंट जो होता है ये ज़्यादा होता है, तो मैं तरबूज तो अवॉइड करती हूँ पर मैं खरबूजे को ऑप्शन में रखती हूँ। इसके अलावा आप एप्पल ले सकते हो, आप अगर लेना चाहते हो तो आप ब्लूबेरीज़ ले सकते हो, और जो भी यू नो सीजनल फ्रूट होते हैं आप ले सकते हो बनाना छोड़ के और आम छोड़ के, क्योंकि आम के अंदर भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं तो मैं आम को तो अवॉइड ही करती हूँ। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अवॉइड करना है, आप वीक में एक से दो बार एक आम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन आपका आता है लास्ट ऑप्शन आपके डिनर का जो आपको कर लेना है 7 से लेके 7:30 के बीच में। तो इसमें आपको अगेन ऑप्शन है आपके पास, या तो आप दो चपाती मिस्सी रोटी वाली जो चपातीज़ होती हैं आप वो ले सकते हो, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल यानी वन बाउल आप वो ले सकते हो। इसके अलावा आप कुछ भी और ना लें आपके डिनर में, बिकॉज़ जो हमारा रात का जो मील होता है इससे हमें बिल्कुल लाइट रखना होता है। मैं ज़्यादातर अगर ये डाइट प्लान फॉलो करती तो जो मैं दोपहर में जो सब्ज़ी बनाती हूँ मैं रात के लिए भी वही सब्ज़ी रख देती हूँ, या मैं वो नहीं भी रखूँ तो एक बाउल सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो आप अपने हिसाब से उसे बना सकते हो। तो 7:30 तक लास्ट आपको अपना डिनर ख़त्म कर देना है। आप इसके अलावा अगर रात में लेना चाहते हो कोई भी ग्रीन वेजिटेबल आप ले सकते हो, इसके अलावा ड्राई वेजिटेबल अगर आप ले रहे हो तो आप उसके साथ में थोड़ा सा कर्ड ऐड कर सकते हो, और इसके अलावा आप दो चीले और कर्ड बना के खा सकते हो, बेसन के दो चीले। मतलब रोटी वगैरह नहीं लेनी आपको, ये जो ऑप्शन मिले आप इसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, दो बेसन के चीले और आप साथ में कर्ड ले सकते हो, तो आप रात को ये भी ले सकते हो, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है। और इसके अलावा ब्राउन ब्रेड का ऑप्शन है आपके पास, आप चाहें तो ब्रेकफास्ट में उसका सैंडविच बना के खा सकते हैं ग्रिल करके इसको, मगर बहुत ही कम ऑयल के साथ में, ऑयल ज़्यादा इसमें नहीं रखना है। देन जब आपका 7:30 पे ये मील का रूटीन जो है पूरे दिन का जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा, देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा रात को 10:30 के आसपास, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हंगर फील हो रहा है तो आप वहाँ पे एक ग्लास दूध ले सकते हो। अगेन मैं आपको बोलूँगी अगर आपने मॉर्निंग में 4 बादाम खाए हैं तो 4 आप रात को ले लें सोने के टाइम पे, तो उससे एक तो आपकी जो मेमोरी की जो पावर होती है ये तो बढ़ेगी, आपके वेट लॉस के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। और जब आपका ये मील वाला रूटीन जो है 7:30 तक ख़त्म हो जाए उसके बाद अगेन आपको 30 से लेकर 35 मिनट्स की वॉक करनी है। इसके अलावा आप कुछ भी ना करें, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा यू नो एक्सरसाइज करें। हाँ आप लाइट वेट योगा ज़रूर कर सकते हैं जिसमें आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, आप अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी टाइप। अगर स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो उसे मॉर्निंग में एक बार ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार जो है अगर आप इसके सारे स्टेप्स को करते हैं तो ये कम्प्लीटली इसका एक सेट ही पूरी एक्सरसाइज यानी कि आपकी यू नो काफ़ी सारी कैलोरीज को बर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो गाइज़ ये था मेरा आज का कंप्लीट वीडियो। अगर आपकी एज जो है ये 35 से अबव है तो आप इस डाइट प्लान को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हैं। प्रॉपर एक डाइटिशियन से सलाह लेने के बाद में मैंने ये डाइट प्लान आपके साथ में शेयर किया है। तो आई होप आपको मेरा आज का वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।